दक्षिण कोरिया के चावल उत्पादन में इस साल खराब मौसम की स्थिति के कारण गिरावट आ चुकी है। चावल का उत्पादन 2022 में कुल 3,76,04,000 टन हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% कम है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल 10.7% बढ़ने के बाद इस साल चावल का उत्पादन घट चुका है। 2016 से 2020 तक लगातार 5 वर्षों तक चावल का उत्पादन दक्षिण कोरिया में घटता दिखाई दिया है। बारिश के साथ साथ टाइफून हिनामनोर के नकारात्मक प्रभाव के कारण चावल उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। देश भर में चावल का क्षेत्र 0.7% घटकर 7,27,054 हेक्टर रह गया है, जिससे चावल के उत्पादन में कमी आई है। वहीं खाने की आदतों में बदलाव के कारण पिछले दशकों से देश की चावल की खपत में गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।